यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है लिनक्स एफएक्स, जिसे विंडो एफएक्स भी बोलते हैं। यहाँ से हम वर्चुअल बॉक्स ऑन कर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए वर्चुअल बॉक्स ओपन हो चुका है हमारा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, न्यू सेलेक्ट करना है। न्यू में आपको लिखना है, जो भी लिखना है आप लिख दीजिए, नाम से कोई मैटर नहीं करता। विंडो एफ एक्स लिख देता हूँ, सॉरी गलती से एक्स एफ हो गया, कोई नहीं। 10, यहाँ से आप लोकेशन चाहे तो चेंज कर सकते हैं अगर आपका मूड कर रहा है तो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको लिनक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ से लिनक्स 64 बिट, अदर लिनक्स पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से रैम ले लेते हैं, 2 GB में काम चल जाएगा, लेकिन मैं स्पीड के लिए 4 GB ले लेता हूँ। वर्चुअल हार्ड डिस्क यहाँ से कोई चेंज नहीं, VDI पे सेलेक्ट करना है, डायनेमिक एलोकेटेड। यहाँ से जो है आपको ले लेना है कम से कम 15-20 GB लेना है, 20 GB ले लेता हूँ मैं, 25 GB ले लेते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ से देखिए क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है आपको, इस पर राइट क्लिक करना है आपको, स्टार्ट करने से पहले सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके आपको एडवांस पे छोड़ो, सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे प्रोसेसर पे कम से कम 2 सेलेक्ट करना है, मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। फ्लॉपी हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है, डिस्प्ले पे चलते हैं, 128 MB कर देते हैं पूरा। स्टोरेज पे जाके यहाँ से आप जो भी आपका ISO फाइल है लिनक्स FX की, जो डाउनलोड किया है मैंने, इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन कर लेते हैं, ये देखिए 3.65 GB आ गया। अब इसमें चलते हैं हम USB में, USB में 3.0 सेलेक्ट कर जरूर कर लेना, अगर इसका एक्सटेंशन पैक नहीं है तो मैं वो भी दे दूंगा। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने डाउनलोड किया है, सेलेक्ट किया था। यहाँ से फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपको, सब दिखाई दे सही से। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली विंडो की तरह लग रहा है ये, लेकिन ये विंडो है नहीं, थोड़ा स्पीड कर दिया है यहाँ पे वीडियो मैंने। ये देखिए ये कॉर्टाना की तरह है बिल्कुल ही। इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हमें रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ से रिजोल्यूशन ले लेते हैं। बहुत लोगों का 16:9 होता है रेशियो रिजोल्यूशन का, तो 16:9 पे ही कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया आपका रिजोल्यूशन फुल पे। कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया। अब यहाँ से कट कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से नीचे वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये देखिए विंडोज़ FX लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आपको लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, आप चाहे तो जो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं चाहिए तो नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ से इंडिया अपने आप सेलेक्ट कर, एशिया सेलेक्ट करना है, यहाँ से कोलकाता, ठीक है। अगर आपका सेलेक्ट नहीं है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इंडिया की वजह से ये मेरे पास हिंदी का कीबोर्ड आ रहा है, ये वाला कीबोर्ड नहीं है मेरे पास, इंग्लिश वाला ले लेते हैं। ये चेक कर लेना आप, ऊपर में देख लेना, अगर आपका कीबोर्ड है तभी सेलेक्ट करना। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो इरेज डिस्क है और मैनुअल पार्टीशन है, अब इस पर क्या करना है आपको, ये देखिए हार्ड ड्राइव 25 GB सेलेक्ट की थी हमने, अब इरेज वाला सेलेक्ट करना है। अगर हम इंटरनली कर रहे होते वर्चुअल बॉक्स के साइड में करके, तो हमें सेलेक्ट करना होता। अब ये देखिए ये भर लिया हमने, ये नेक्स्ट कर लेते हैं। ये देखिए सब कुछ हो गया है यहाँ पे सेटअप, चेक कर लेने एक बार आप। ये देखिए इंस्टॉल नाउ, ये हमें वार्निंग दे रहा है, इंस्टॉल नाउ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया विंडो को, वीडियो को, तो ये थोड़ा टाइम लेगा आपका। ये देखिए जब तक जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रीस्टार्ट नाउ करने से पहले यहाँ पे डिवाइस पे जाके ऑप्टिकल ड्राइव्स पे जाके जो है यहाँ से रिमूव कर लेना, फोर्स अनमाउंट कर लेना, ये ISO फाइल रिमूव हो जाएगी, वरना दोबारा से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये डन कर लेते हैं यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो इसको बंद कर लेते हैं। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं,
कभी कभी रीस्टार्ट नहीं लेता है हमारा वर्चुअल मशीन में, इसलिए हमें दोबारा से करना पड़ता है। ये देखिए विंडो की तरह ओपन हो रहा है, एग्जैक्टली विंडो 10 की तरह। मतलब लिनक्स, अगर विंडो चलाने वाले लिनक्स चलाना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। ये देखिए ये आ गया हमारा, मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड डालते हैं, एंटर। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कर दिया मैंने, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। यहाँ से देखिए ये कन्फ्यूर कर लेते हैं, 16 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर देते हैं, हो गया। देखिए ये हमारा देखिए वीडियो हो चुका है, ठीक है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। और दोस्तों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट तो इसलिए कर लेना कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक तो कर ही देना अगर कुछ सीखने को मिला है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड इंस्टॉलेशन, सॉरी, ये सारे फंक्शंस जो हैं आपके एग्जैक्टली विंडो की तरह, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी विंडो है। ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ लिखा भी हुआ आ रहा है आपका। तो थैंक यू दोस्तों।